मंत्री नीतीश कुमार आज 501 नए एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। बड़ी खबर पटना से आ रही है। अपने आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 275 जीवन रक्षक और 226 बुनियादी जीवन रक्षक एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा, जो सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में तैनात की जाएंगी। आपको बता दें, ये एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से ही 501 नई एम्बुलेंस को रवाना करेंगे, जो मुख्यालय में तैनात की जाएंगी सभी जिला और प्रखंड स्तर पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। निषेध, 501 नए एम्बुलेंस को रवाना करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एम्बुलेंस रवाना करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से बिहार के लोगों को काफी राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना काल के समय एम्बुलेंस के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसके ठीक बाद सरकार ने दावा किया था कि प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही इस बात को भी कहा गया था कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले एम्बुलेंस है वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और कुल 1000 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिसे इसको दो के माध्यम से संचालित करने की बातें चल रही थी। और अब ऐसे में केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत बिहार में 500 से अधिक एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिए गए हैं, और इन एम्बुलेंस को फिलहाल जो पटना का दशमरी खेल मैदान है उसमें रखा गया है, और इसमें कई सारे एम्बुलेंस जो है वो एडवांस सपोर्ट सिस्टम वाले हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। दशमरी मैदान में जो एम्बुलेंस खड़े हैं इसमें 500 से अधिक डायल 102 एम्बुलेंस सेवा में नंबर प्लेट भी लग चुका है, और अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको हरी झंडी देकर वहां से रवाना करेंगे, और निश्चित तौर से जब एम्बुलेंस से रवाना होगा तो बिहार के लोगों को ये सौगात होगी। इस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर के लगातार समस्या बनी रहती थी, कई लोगों की जान गई, कई मरीजों की जाने गई एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण, तो अब कहीं ना कहीं सरकार की एक कोशिश है कि उन लोगों तक समय पर एम्बुलेंस पहुंचा दिया जा सके, क्योंकि आज जो 102 में अगर फोन करते हैं तो 20 मिनट में शहरी क्षेत्र में एम्बुलेंस पहुंचा दी जाएगी, और 35 मिनट के बाद जो लक्ष्य रखा गया है समय का वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा गया है, इसमें कम वक्त में जो एम्बुलेंस है वो लोगों को मुहैया करा दी जाएगी और उन लोगों तक इसकी जो सुविधा है वो पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निषेध इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि सहयोगी निषेध ने बताया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वेटनरी कॉलेज के मैदान से 501 नई एम्बुलेंस को रवाना करेंगे, और ऐसे में तमाम जो एम्बुलेंस है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से एम्बुलेंस की कमी मिली, काफ़ी लोग परेशान दिखे, मरीज हों, मरीज के परिजन हों, काफ़ी परेशान दिखे, और ऐसे में ये एम्बुलेंस तमाम जिला और प्रखंड मुख्यालय में तैनात की जाएंगी। और